PAHECHAAN, the talk show with Pooja Piyush. Times Vicenza Club and Resort presents Powered by Loveji Badshah in association with Choithani's Clinic, supported by Gold's Gym Gurdod Road, Footpack India, Coffee Culture. ऐसे हैं जिन्होंने पैसे कमाने की इस दौड़ से आगे निकल के कुछ और सोचा और इन्होंने बनाई अपनी एक पहचान. किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका खुद पे भरोसा. फर्स्ट इंप्रेशन जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है लास्टिंग इंप्रेशन. मैं पूजा व्यास. मैं पीयूष व्यास. वेलकम ऑन माय शो पहचान. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक कंपनी के बॉस के बारे में. एक दिन वो हमारे पास आए और उन्होंने कंप्लेन की कि मेरा पूरा स्टाफ नॉन कोऑपरेटिव है और जब भी मैं नया स्टाफ रिक्रूट करता हूँ कोई भी एम्प्लॉय 4-6 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं. जैसे जैसे हमने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट किया हमारे सामने एक चैलेंज आई और चैलेंज ये थी के बॉस को एम्प्लॉय के हर काम में चाहिए था 100% परफेक्शन. आज हम बात करेंगे परफेक्शन के ऊपर. कुछ लोग कहते हैं जो करो जितना करो परफेक्ट करो, जबकि एक और अप्रोच नया डेवलप हुआ है विच इज कॉल्ड 80% अप्रोच. ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप किसी काम की शुरुआत करो और आप उसको एंड तक छोटे छोटे मुद्दों छोटे छोटे पॉइंट्स को परफेक्टली कर पाओ. तो अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे कि मैं हर काम 100% परफेक्शन के साथ ही करूं तो हमारे सामने आएगा इम्परफेक्शन, हो सकता है डिले, हो सकता है प्रोकास्टिनेशन. तो आज हम आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं एक नए अप्रोच पे जिसे कहते हैं 80% अप्रोच. 100% परफेक्शन को हमें रिप्लेस करना है 80% अप्रोच के साथ. 80% अप्रोच क्या है? किसी भी काम में हमें एक्सपेक्ट करना है 100%, मगर 80% पे आके हमें खुद को एक रिलीफ देनी है, एटीट्यूड को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और सिचुएशंस को मॉडरेट करनी है. 80% इज ऑलमोस्ट 100%. ये करने से आपकी लाइफ में आपके टास्क में एक ईज आ जाता है. लोगों को आपके साथ रहना आपके लिए काम करना अच्छा लगता है और स्ट्रेस लेवल जीरो हो जाता है. 80% अप्रोच एक मैजिकल अप्रोच है. एक्चुअली 100% जैसा कुछ है ही नहीं. ये आपकी एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें आपको ये लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया, जबकि सामने वाले के लिए वो ऑलरेडी आपका 100% है. इसलिए आपको इस काल्पनिक दुनिया से निकल के वास्तविक दुनिया में आना है और जो आप अपना 80% दे रहे हो वो बेस्ट देना है. 80% अप्रोच के इस छोटे से चेंज से उस कंपनी के बॉस को जो मिला वो आप सबको मिल सकता है. वही स्टाफ वही प्रोडक्टिविटी पे आ गया और एम्प्लॉई के साथ साथ बॉस के जीवन में भी आ गई पीस. इसी के साथ मैं पूजा व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन आवर यूनिक शो पहचान. इस शो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज की जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसे बनानी है अपनी एक अलग पहचान.
वेलकम प्रीति मैडम, वेलकम ऑन आवर शो पहचान। जैसे आपको पता है, ये शो का पर्पज है इंस्पिरेशनल बातें लोगों तक पहुंचाना। आप एक बहुत ही सुलझे हुए एडवोकेट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी। जब एडवोकेट हम सुनते हैं तो तुरंत हमें लगता है कि दौड़ के भाग के यहाँ से वहाँ दौड़ना, आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक के जीवन में, क्योंकि भगवान ने सबके लिए एक ही टाइम दिया है, सबको 24 आवर्स दिए हैं, तो उसी में काम करना है। तो उसी में सबसे पहले अगत्यता किसके ऊपर है? हाँ हाँ, टाइम कहाँ पे, घर में कितना टाइम देना है, कोर्ट में जाना है, ऑफिस अटेंड करना है, तो हर एक जगह का फिक्स टाइम होता है। ओके, तो वहाँ कितना टाइम की जरूरत है उसी हिसाब से टाइम को डिवाइड कर देते हैं। और फिक्स टाइम के ऑफिस का ये टाइम है तो उसी टाइम पे ऑफिस चलनी चाहिए। ओके, ऑफिस खत्म करने बाद जब घर जाना है तो घर का जो टाइम है वो परिवार को देना है, और वहां पे घर में कोई टाइम में ऑफिस वर्क नो। अच्छा, ओनली स्टडी चलता है, लेकिन वहां पे ऑफिस का कोई क्लाइंट आए जाए तो वो नहीं। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट हर एक परिवार को देना है, कोर्ट को, ये प्रोफेशनल लाइफ को देना है, सोशल समाज को देना है, तो उसी हिसाब से कौन सा कब टाइम किसको देना है उसकी एक प्राधान्यता, एक महत्वता, उसकी हिसाब से टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। आपने जो फोकस किया, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। यस, कि हर चीज को अपने अपने लेवल पर प्रायोरिटीज देनी करके, दैट इज योर सीक्रेट। तो प्रीति जी, आपको एक सफल वकील और एक सोशल एक्टिविस्ट, दोनों काम आसानी से आप कर लेते हो, तो आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसने यहाँ तक आपका साथ दिया है? सबसे पहले तो मैं अपने आप से कुछ विचार और कुछ आइडिया अपने आप से बात करती हूँ। कई बार ऐसे टाइम मुझे मिलता है तो डेली नाइट एक ऐसा टाइम है कि खाना खाने के बाद मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। अच्छा, और उसी में से मुझे करना है कि मुझे क्या करने का है और किस तरह करने का है। एवरी नाइट प्लान? यस, एवरी नाइट। Very तो nice. उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं कि नहीं, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है प्लान। ओके, तो ये आपकी पहली क्वालिटी। हाँ, और दूसरी मैडम? दूसरी में ये कि मुझे जो काम मैं करने जा रही हूँ, किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, कोई सपोर्ट करे चाहे ना करे, मुझे अकेले आगे बढ़ना है। ये जुनून रहता है आप में? ये जुनून के साथ ही चलना पड़ता है कि अगर कोई इसमें साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन मेन चीज ये होनी चाहिए कि काम सही ढंग का होना चाहिए, काम सोसाइटी के लिए होना चाहिए, वो काम में निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम थिंग है। okay. कि हमको सोसाइटी के लिए करना है तो उसमें कई बात भी शामिल हो जाती है, चाहे उसमें पैसा खर्च करने की बात आ जाती है, किसी के साथ हो ना हो, तो उसी में भी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वो पैसा खर्च करना आए तो हम खुद खर्च कर सके, और सोसाइटी में के सोसाइटी के लिए करना है, अगर कोई साथ दे ना दे फिर भी अकेले भी वो काम करना है, लटके करते रहना है। ओके, दैट इज योर सेकंड क्वालिटी। जैसे आप एक बहुत लंबा अरसा एक लॉयर है, काफी कुछ करते हैं, तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती है प्रीति जी कि अपने ही लोग, आसपास के लोग जाने अनजाने डीमोटिवेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां जब आपके सामने आई, जैसे कभी कोई सोशली या प्रोफेशनली या पर्सनली डीमोरलाइज किसी ने आपको किया, तो उस परिस्थिति में आपने क्या बिहेव किया और आपने उससे कैसे खुद को बाहर निकाला? ऐसी कई सिचुएशन आते हैं, ये जो वकालत का व्यवसाय है, चाहे सोशल में हो या व्यवसाय में हो, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोई डीमोरलाइज करता है। लेकिन जब ये वकालत के व्यवसाय में नए सिरे से जब मैं एंट्री की थी, जब शुरुआत की टाइम थी, तो उसी हिसाब से तब जो सिचुएशन थी, ताकि वो माहौल नया था, तो उसमें जब डिमोरलाइज की बात आती थी तो थोड़ा बहुत गिव अप करने का माइंड में ख्याल आता था। ओके, लेकिन उसके बावजूद जब जैसे जैसे उसमें अनुभव बढ़ता गया, जिस तरह प्रैक्टिस बढ़ती गई, साल बढ़ते गए,
तो उसमें ये भी वास्तविकता आई कि ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन उसका डट के सामना करना चाहिए। अच्छा। कई ऐसे है कि ताकि कोई ना कोई मतलब से डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय ही ऐसा पुरुष प्रधान व्यवसाय है। ओके। इसमें कई बार कई बाधाएं आती है, चाहे वो नॉलेज की होती है, चाहे वो सहकर्मी की होती है, चाहे वो अदर्स एडवोकेट्स की होती है, मतलब कोई भी एंगल से, कोई भी आता है बाधा, लेकिन उसमें बिल्कुल भी गिव अप ना करके डट के उसका सामना किया है आपने, या और उसी में से हमको आगे अपना ही रास्ता निकालने का है, नहीं कि उसमें से बाहर जा करके उसी में ही आगे चलते रहने का है। मतलब डीमोरलाइज हर कोई होता है, आप भी हुए थे, मगर यूजुअली क्या होता है कि डीमोरलाइज होके सब छोड़ देते हैं। जैसे आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि आपने भी सोचा है कि मैं छोड़ दूं, मगर वहीं पे आपने हिम्मत दिखा के कंटिन्यू किया। हाँ, क्योंकि बैठ के गिर के खड़ा होकर चलना है वापस, और जो गिर जाता है खड़ा नहीं होता है वो सफल नहीं हो पाता, सफलता उससे दूर चली जाती है। मतलब गिरता हर कोई है, लेकिन गिरकर उठता नहीं है वो निष्फल माना जाता है, वो निष्फल पर्सनालिटी है। परफेक्ट। एक और चीज सामने आई आपसे बात करते करते कि एक लॉयर का प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन ऐसे रहते हैं जिसमें आपको नोइंगली या अनोइंगली यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, वी कांट से नेगेटिविटीज बट चैलेंजेस, जैसे केसेस, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर, तो काफ़ी केसेस, घरेलू हिंसा, ये सब जो भी कुछ रहता है, तो पूरा दिन माहौल कोर्ट कचहरी पुलिस केस इसी में आपका पूरा दिन का माहौल रहता है, तो खुद को इस माहौल में रख के फिर आप पॉजिटिविटीज कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले ये जो व्यवसाय है ना, वो व्यवसाय मेरा शौक रहा है। ओके। जब मैं बचपन में जैसे किसी की भी फिल्म देखती थी ना, तो ज्यादातर कोर्ट सीन की फिल्म देखती थी। क्या बात। तो उसी में से ही मुझे ये एक प्रेरणा मिली, यानी ये कोर्ट में जज साहब ऑर्डर करते हैं, फिर गीता पे हाथ रखकर सौगंध खाते हैं, सौगंध खिलाते हैं, तो आर्गुमेंट होती है। हाँ। तो उसी में से मुझे थोड़ा बहुत शौक था कि नहीं, मैं फिल्म देखूंगी तो मैं हीरो हीरोइन को नहीं देखती, उसकी स्टोरी देखती हूँ, भाई कोर्ट सीन है उसमें सस्पेंस थ्रिलर है तो क्या है, तो ये मेरा शौक रहा है। ये शौक को मैंने व्यवसाय में परिवर्तित किया है, और इसीलिए मैं इसमें आगे बढ़ सकती बड़ी हूँ, क्योंकि जब कोई भी पर्सन कोई भी व्यक्ति अपना शौक अपने व्यवसाय या व्यापार बना लेता है तो उसमें वो सफल ही होता है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि ये मैं ये माहौल से अंदर हूँ या बाहर हूँ, यही माहौल मेरे लिए अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने निकाली। वर्क सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी हॉबी है, जैसे हम बार बार जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग में ये हमेशा आता है कि जब भी कोई चीज आपकी हॉबी है और अगर जिंदगी आपको मौका दे रही है उसी को प्रोफेशन बनाने की, तो आपको कभी भी वो करते हुए स्ट्रेस नहीं लगता। और आज आपने उसी बात को साबित कर दिया कि बिकॉज इट इज योर हॉबी यू एंजॉय, आप हमेशा इसको एंजॉय करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम सिखाते हैं तो हम एडवोकेट का एग्जाम्पल हमेशा देते हैं, हम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक एडवोकेट बहुत अच्छा बोलता है इसीलिए वो जीतता है, मगर आज मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या एडवोकेट सिर्फ बोलते हैं कि सुनना भी, लिसनिंग स्किल्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जो बोलता है ना, जो जीतता है, लेकिन जीतता वही है जो सुनता है पूरा। क्या बात। क्योंकि जो सुनने का पूरा वही बोल पाएगा। ओके। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आर्गुमेंट होती है, जब कभी कोर्ट में आर्गुमेंट हुए, कई एडवोकेट्स ऐसे होते हैं कि एक आर्गुमेंट खत्म होने भी नहीं देते और बीच में बोल लेते हैं, सुनते नहीं है। और कई ऐसे होते हैं कि नहीं, फर्स्ट पार्ट आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद वो बोलते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन और जो बीच में बोलते हैं उसकी प्रेजेंटेशन में काफी डिफरेंस रहता है। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले तो लिसनिंग मस्ट, के पूरा सुनना चाहिए क्या होता है, क्या बोलते हैं, कौन सी अथॉरिटी रिलेवेंट है और कहाँ तक की रिलेवेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट कई और होता है, अथॉरिटीज कई और बताती है, तो हम जब दोनों प्रायोरिटी में सुनेंगे और पढ़ेंगे
तो ही पता चलेगा कहां मिक्स एंड मैच है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो पता नहीं चलेगा। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न कुछ और बोलते हैं, आर्गुमेंट कुछ और होती है। अगर हम आर्गुमेंट ही पूरी सुने या रिटर्न डॉक्यूमेंट दोनों देखे तो ही वाक्य रिलेवेंट में जाता है, तब तक जा करके सिचुएशन विन सिचुएशन में आएगी। अच्छा। तो लिसनिंग तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये एक मिथ था। हाँ। तो मैंने सोचा इस पे बात जरूर होनी चाहिए। राइट, आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। हर प्रोफेशन में एक कहावत है, इट हैज टू बी परफेक्ट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज योर प्रोफेशन कंटेन्स लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन सब आ जाता है, तो क्या हर वक्त 24 आवर्स ये पॉसिबल है कि हर काम में आप परफेक्ट रहो और आपकी टीम को परफेक्ट रखो? सबसे पहले तो परफेक्ट किसको माना जाता है, परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जो बात मेरे लिए परफेक्ट है वो और के लिए नहीं भी हो सकती है। और उसमें ऐसा नहीं कि हर एक आदमी परफेक्ट हो तो ही ऐसा आता है। ये तो परफेक्शन या अपने अपने मन की एक भ्रम है, एक डेफिनेशन अलग अलग होती है। उसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है कि 100% वो परफेक्ट ही हो। okay. क्योंकि उसका नजरिया परफेक्शन का कुछ और रहता है। uh-huh. अभी वकीलात में कोई, मैं अपनी आर्ग्यूमेंट रखती हूँ, मैं अपना जो व्यू है वो रखती हूँ। uh-huh. तो ऐसा नहीं है मेरा व्यू 100% परफेक्ट है। okay. वो मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है। लेकिन सामने वाले की नजरिए से तो वो अपने हिसाब से अपना व्यू रखेगा, तो उसके लिए वो परफेक्शन है। लेकिन जब जज साहब दोनों के व्यूज को देख करके उसमें से परफेक्शन कुछ निकालते हैं तो वो एक अपना व्यू है। ओके। तो सबके लिए परफेक्शन का अलग अलग नजरिया होता है। Beautiful. उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह सब लोग में ऐसी मान्यता हो गई है, एक सब भ्रम है कि नहीं ये परफेक्ट होना चाहिए, नहीं 100% ये परफेक्ट ऐसा ही होना चाहिए। ये सोच तो, से क्या होता है? नहीं, ये सोच से आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ कमी है और उसमें एक ही लीन में वो आगे बढ़ता जाता है और उसको पता नहीं चलता कि हाँ हमको अटक जाना है। okay. और उसी में से जो उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है यहीं जाकर कि नहीं वो ऐसे ही वो माना जाता है कि नहीं ये अभी परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, उसी में लेकिन वो पीछे छूट जाता है। वेरी नाइस। तो ये बात उसको, ये बहुत बढ़िया मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रुक जाते हैं कि थोड़ा और, थोड़ा और, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। बिकॉज जब परफेक्शन सबके माइंड में अलग अलग है तो उसका एंड क्या है और कौन तय करेगा? सही है। राइट, तो ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि परफेक्शन हर किसी का खुद का एक माइंड का एंगल है। सी प्रीति जी, हम बैठे हैं पहचान के सेट पे। पहचान ये हमारा ऐसा शो है जिसमें हम उन पर्सनालिटीज की हेल्प लेते हैं जो हमारे साथ इंस्पिरेशनल बातें करके लोगों को मदद करे कि अगर उनको अपनी पहचान बनानी है तो क्या क्या चीजें खुद में चेंज करनी पड़ेगी। आज आप हमारे साथ हैं, तो एक क्वालिटी ऐसी जो उनको अपनी पहचान बनाने में हेल्प करे वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं पूजा जी इसमें खास कहने वाली हूँ कि किसी को भी अपनी फ्रेमवर्क नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि एक फ्रेम में हम बंध जाते हैं। हमको अपना खुद का डेवलप करना है, हमारा फैमिली का करना है, चाहे सोशल समाज को करना है, तो उसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं चाहिए। नो लिमिट्स। हमको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उससे आगे निकलना है। Beyond अगर limit. मैं समझू कि नहीं मुझे यहाँ पे रहकर ही वकीलात करनी है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। okay. लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है और मुझे लंदन भी जाना है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड होना चाहिए। ब्यूटीफुल। हाँ, तो उसमें हमको बंद नहीं जाना चाहिए। और ऐसे कोई भी पर्सन को अपनी एक लिमिट्स होती है, वो काम की लिमिट्स होती है, लेकिन हमारा जो पर्पस, हमारा जो गोल है वो अनलिमिटेड होना चाहिए। क्या बात है, मतलब काम करने की लिमिट हो सकती है, सोचने की नहीं होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। हर इंसान को पहचान बनाने के लिए ही हैज टू चैलेंज हिज ओन लिमिट्स। वेरी वेल सेड। तो अभी आप इस सेट पे हैं, तो एनी मैसेज, क्योंकि यही यूथ कल बदलेगा, देश बदलेगा, तो कोई मैसेज आप यूथ को देना चाहते हैं? श्योर, यूथ को मैं खास ऐसा मैसेज देना चाहूंगी कि जो अपना जो शौक है, हर एक के पास कोई ना कोई काबिलियत है, होशियारी है, तो उसको अपना शौक को
वो परिवर्तित करे व्यवसाय में, चाहे व्यापार में, चाहे बिजनेस में, तो ऐसा अपना शौक को वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको डेवलप करना जरूरी है। एक बच्चा ऐसा हुनर था कि उसको बाजा पेटी का हारमोनियम बजाने का इतना बढ़िया आता था और वो इतना बढ़िया बजा भी लेता था, तो ये उसका शौक था, लेकिन कई बात कई संजोगों से वो वहां पे आ गया। लेकिन बाद में वो जब निकला तो एक भले आदमी ने उसका जिम्मेवारी ली कि नहीं उसको ये आता है, ये कला है उसके में, तो उसको उसमें उन्होंने बोला कि नहीं ये कला में तुम आगे बढ़ो, हम मोटिवेट करेंगे। तो ये बात है कि हर एक आदमी हो, चाहे बच्चा औरत आदमी, कोई सबके पास अपनी एक क्वालिटी होती है और उसी को आगे ले जाना है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें इनर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मतलब ये एक यूथ के लिए है yes. कि उनको अपनी इनर इंस्पिरेशन को सुनना चाहिए। वेल सेड। पहचान के इस शो में हमने ये बात देखी कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। इफ वी कीप ऑन थिंकिंग कि ये चीज अगर मैं परफेक्टली शुरू करूंगा तो वो समय कभी नहीं आने वाला। Why can't we start with 80% approach rather than making it perfect? हमारा 80% approach सामने वाले के लिए तो perfection ही है, हमें ही पता है कि वो 80% approach है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो perfection की ओर भागते हैं और दूसरे जो 80% में believe करके action को अंजाम देते हैं। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? We are getting very overwhelming response for our series PAHECHAAN. Please do like us, share us and comment on us. PAHECHAAN से जुड़ी हुई कोई भी stories आपके पास हो तो हमें contact कीजिए poojapiyushtalk@gmail.com पर। Have a nice time. Bye-bye. PAHECHAAN, the talk show with Pooja Piyush. अगर आपको भी बनानी है अपनी एक पहचान तो कॉल अस एट 9377-93851 और राइट अस एट poojapiyushtalk@gmail.com।